हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली और कीटोन्स ओनली, जहां वो मेथड्स जिनके द्वारा अभी हम सिर्फ पढ़ने जा रहे हैं, जिनके द्वारा सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड्स ही बनाया जा सकता है, इनसे कीटोन बनाना पॉसिबल नहीं है। तो जैसे सबसे फर्स्ट रिएक्शन है फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स, एल्केनॉयल क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं, या एल्केनॉयल हैलाइड कहलाते हैं। तो एसिड क्लोराइड के साथ किस तरह से हम रिएक्शन को कर सकते हैं, उसके लिए जैसे तो ये रिएक्शन जैसे एक रोजेनमुंड रिएक्शन कहलाती है, रोजेनमुंड रिएक्शन के नाम से इसको जानते हैं, इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है रोजेनमुंड रिएक्शन। इसके द्वारा सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड ही बनाए जा सकते हैं। जैसे इस रिएक्शन में RCOCl, एक तो एल्केनॉयल हैलाइड लेना है, मींस जनरली क्लोराइड ले लेते हैं, रिएक्ट विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट। पैलेडियम है एज ए कैटलिस्ट, बेरियम सल्फेट एंड पॉइजन्ड विद क्यूनोन और सल्फर, या तो क्यूनोन के द्वारा इसको मतलब पॉइजनिंग कर देंगे या सल्फर को। और उसका कारण क्या है, क्यूनोलीन लेते हैं। तो क्यूनोलीन और सल्फर, इनसे पॉइजनिंग का काम मकसद क्या है, इसका होता है कि कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम करना, ताकि ये मतलब ज़्यादा रिएक्टिव ना हो और आगे और भी इसका ये हाई एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, मतलब एक तरह से रिडक्शन रिएक्शन हो रही है यहाँ पर। तो ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी कहलाती है, इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम सपोर्टेड ओवर बेरियम सल्फेट एंड दिस मिक्सचर इज पॉइजन्ड बाय द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर और क्यूनोलिन, या तो क्यूनोलिन या सल्फर लेंगे। और इसका मकसद क्या है, जो एल्डिहाइड होते हैं वो फर्दर क्या हो सकते हैं, यदि हमने जैसे यहाँ से एल्डिहाइड बनाया तो एल्डिहाइड बन जाएगा ये RCOH और प्लस HCl, एक तो यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा और ये हाइड्रोजन एक चला जाएगा क्लोरीन के साथ टू फॉर्म HCl RCHO। अब यदि मान लीजिए रिडक्शन करा रहे हैं और हाइड्रोजन मिलेगा, तो ये फर्दर रिड्यूस हो जाएगा किसके रूप में, अल्कोहल के रूप में। तो अल्कोहल ना बने, फर्दर और रिडक्शन ना हो एल्डिहाइड का, इसलिए हम कैटलिस्ट को यहाँ पर पॉइजन्ड कर देते हैं, डीएक्टिवेट कर दिया जाता है क्यूनोलिन और सल्फर को मिला के। इससे क्या होता है कि दिस कंट्रोल्स द रिएक्शन टू एल्डिहाइड ओनली, ये एल्डिहाइड पर ही उस रिएक्शन को रोक देगा। तो जैसे CH3COCl, ये है दो कार्बन का कंपाउंड है, एथेनॉयल क्लोराइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन, सेम है पैलेडियम बेरियम सल्फेट क्यूनोलिन और या फिर सल्फर टू फॉर्म CH3CHO प्लस HCl एथेनल। तो हमने पॉइजनिंग यदि नहीं करेंगे तो एल्डिहाइड से फिर वो एथेनॉल में भी कन्वर्ट हो सकता है। इसी तरह से यदि आपने एरोमेटिक इसमें यदि एल्डिहाइड लिया हुआ है, जैसे COCl मीन्स बेंजोइल क्लोराइड, तो बेंजोइल क्लोराइड ये इसका भी आप रिडक्शन करा दीजिए, सेम प्रेजेंस है पैलेडियम बेरियम सल्फेट क्यूनोलिन या फिर सल्फर टू फॉर्म बेंजल्डिहाइड CHO प्लस HCl बेंजल्डिहाइड। तो ये था बेंजोइल क्लोराइड को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना बाय द रोजेनमुंड रिएक्शन, बाय मतलब इन दिस रिएक्शन एसिड क्लोराइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन और कैटालिटिक हम हाइड्रोजनेशन करते हैं। और इसके अलावा इसका एक अल्टरनेटिव भी है, तो अल्टरनेटिव भी सेम मतलब रिएक्शन ही है यहाँ पर, जैसे RCOCl, इसको हम यदि इसकी ये कैटालिस्ट है लिथियम ट्राई टर्सरी ब्यूटॉक्सी एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो इसकी प्रेजेंस में यदि हम रिएक्शन कराते हैं OT ब्यूटॉक्स, ये है ट्राइटर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोनियम आयन मीन्स वाटर एंड एच हाइड्रोजन एज ए कैटलिस्ट, ये भी काम करेगा टू फॉर्म RCHO प्लस
HCl, इससे भी एल्डिहाइड बनाया जा सकता है। तो ये उसी का अल्टरनेटिव है, मिस एसिड क्लोराइड से यहाँ पर भी बना सकते हैं। तो सेकंड मेथड है फ्रॉम रिडक्शन ऑफ एल्काइल साइनाइड या नाइट्राइल, इनको नाइट्राइल के नाम से भी जाना जाता है, इनका हमें रिडक्शन करना है। तो एल्काइल नाइट्राइल व्हेन रिड्यूस्ड विथ SnCl2 मीन्स स्टेनस क्लोराइड एंड कंसनट्रेटेड मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इन एब्सोल्यूट ईथर फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, इसके बाद हाइड्रोलाइसिस करेंगे रिडक्शन करने के बाद, देन किसका फॉर्मेशन होगा एल्डिहाइड का, क्योंकि हम ये सिर्फ एल्डिहाइड के लिए पढ़ रहे हैं। और इस रिएक्शन को नाम से जाना जाता है स्टीफर रिडक्शन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिडक्शन रिएक्शन है स्टीफर रिडक्शन। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है स्टीफर रिडक्शन क्या है, तो जैसे आप इसके द्वारा एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों तरह के एल्डिहाइड बना सकते हैं, CH3C(NN) मींस ये हमने लिया हुआ है एथेन नाइट्राइल या मिथाइल साइनाइड, इसका हम रिडक्शन करा रहे हैं। मींस रिडक्शन हाइड्रोजन की प्रेजेंस में होगा, लेकिन ये निशेंट हाइड्रोजन लेंगे SnCl2 एंड HCl, ये आपको प्रेजेंस लेना है, और ड्राई ईथर ये फिक्स है इसका प्रेजेंस, अदरवाइज ये रिएक्शन फिर चेंज हो सकती है। CH3 एक एक हाइड्रोजन दोनों जगह पर जुड़ जाता है, CH3 एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर और एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन पर। ये एक्चुअल एल्डिहाइड का ही मतलब इमीन होता है, इसलिए हम इसको मतलब ये कहलाते हैं इमीन, तो इसको बोलेंगे एल्डिमीन। तो एल्डिमीन का फॉर्मेशन किया, अब इसका हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, वाटर के साथ रिएक्शन हो जाएगा, तो ये हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा टू फॉर्म CH3CHO, और साथ में हमें नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन सेपरेट होकर के ये बना लेगा अमोनिया, तो ये मिल गया एसिटल्डिहाइड। तो एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ से। यदि हमने एरोमेटिक बनाना है हमको, तो फिर ये बेंजो नाइट्राइल लेंगे, बेंजो नाइट्राइल इसका भी सेम तरीके से रिडक्शन करा देंगे, स्टीफन रिडक्शन कहलाता है ये, HCl ड्राई ईथर, यहाँ पर भी एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा CH डबल बॉन्ड NH, फिर हाइड्रोलाइसिस कराना है टू फॉर्म CHO प्लस NH3, ये बन गया बेंजल्डिहाइड। और इसका नाम हो जाएगा बेंजल्डिमीन, ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है ये है बेंजल्डिमीन। तो बेंजल्डिमीन और फाइनल प्रोडक्ट है बेंजल्डिहाइड। तो ये स्टीफर रिडक्शन है, इम्पोर्टेंट रिडक्शन रिएक्शन है, इसके द्वारा हम आसानी से सिर्फ एल्डिहाइड बना सकते हैं, इस मेथड के द्वारा कीटोन का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसका भी अल्टरनेटिव मेथड यूज मालूम इसका हम कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं स्टीफर रिडक्शन की जगह पर, बस ये प्रेजेंस चेंज हो जाएगी। तो जैसे ये CH3, CH2, CH2, CH2 1, 2, 3, 4 और भी ले सकते हैं CN, बस इसके लिए हमें कैटालिस्ट DIBALH, शॉर्ट फॉर्म है किसका, ये डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसका हम यूज करेंगे। और ये रिएक्शन बहुत ही लो टेम्परेचर पर होती है, -78 डिग्री सेल्सियस मीन्स लगभग 195 केल्विन, इस टेम्परेचर पर यदि आप रिएक्शन कराएंगे तब भी इससे आपको क्या मिलेगा, पहले तो वही इमीन मिल जाएगा CH3, CH2, 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 CH, NH, और इसका भी यदि हम फिर हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो हमें मिल जाएगा एल्डिहाइड CH3, CH2, 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 CHO 1, 2, 3, 4, 5 hexanal, और साथ में नाइट्रोजन जो है वह अमोनिया के रूप में यहाँ पर भी रिमूव हो जाएगा एज ए बाय प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म में। तो ये हेक्सेनल, इसका भी हम यूज कर सकते हैं।
यदि हम ईस्टर ले लें उनको भी यदि सेम बना यदि इसको रिडक्शन करा दें डी आई बी ए एल एच कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इस डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में तो उससे भी हम एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं ईस्टर को। तो ये अल्टरनेटिव मेथड है सेम तरीके से, यहाँ पर भी इमीन बनता है और उसी का हाइड्रोलिसिस करा दीजिए तो एल्डिहाइड भी बन जाता है। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो बेंजल्डिहाइड या उसके जो डेरिवेटिव्स हैं उनको हम बना सकते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, और इसके लिए है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। जैसे यदि मिथाइल बेंजीन लिया हुआ है CH3, इसका यदि हम ऑक्सीडेशन कर दें, ऑक्सीडेशन लेकिन होगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, जैसे एल्कलाइन KMnO4 या फिर K2Cr2O7H2SO4 इसकी प्रेजेंस में होगा, या फिर HNO3 है, या फिर KMnO4H2SO4 एसिडिक KMnO4 इसकी प्रेजेंस में हम इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, हम इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा CHO। चूँकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं तो ये एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, किसके रूप में क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि हमने किसको चूज़ किया हुआ है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब यहाँ पर भी है कि हम इस रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, बेंजल्डिहाइड स्टेट पर इसे रोकना पड़ेगा। ये जो बेंजल्डिहाइड बना हुआ है इसे यदि यहाँ रोकना चाहें तो हमें ये पॉसिबल है टू स्टॉप दिस ऑक्सीडेशन एट एल्डिहाइड स्टेज विद सुटेबल रिएजेंट। तो हम उसके लिए सुटेबल रिएजेंट का यूज करेंगे जिसमें मिथाइल ग्रुप को हम सीधे एल्डिहाइड में ही कन्वर्ट करेंगे, एंड इसके लिए हमें डिफरेंट मेथड यूज करना पड़ता है। जैसे एक तो है बाय यूज ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड, क्रोमिक ऑक्साइड का यूज कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, इन एसिटिक एनहाइड्राइड इसके साथ हम रिएक्शन कराएंगे, क्रोमिक ऑक्साइड का यूज करेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तब हमें ये रिएक्शन सिर्फ कहाँ पर मिलेगा, एल्डिहाइड स्टेज पर। तो जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है एल्काइल साइड चेन को हम क्या करेंगे यहाँ पर क्रोमियम ट्राईऑक्साइड और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेंगे, इससे एक हमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलेगा। तो रिएक्शन इस तरह से हो जाएगी CH3 और लिया हुआ है CrO3 एंड CH3CO एसिटिक एनहाइड्राइड है, तो ये एसिटिक एनहाइड्राइड ले लिया, लगभग इसको 273 केल्विन से 283 केल्विन पर ये रिएक्शन होगी, मतलब लगभग लो टेम्परेचर पर ये रिएक्शन प्रोसीड करा सकते हैं टू फॉर्म। अभी यहाँ से एक हाइड्रोजन इसके CH3COOH के साथ ये रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर मिल जाएगा हमें दो हाइड्रोजन CHO CO CH3 होल ट्वाइस। इसके हम क्या करेंगे कि दो मॉलिक्यूल से वहाँ के दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करा देंगे, यहाँ पर टू मॉलिक्यूल्स यूज करना पड़ेगा एसिटिक एनहाइड्राइड का, तो ये हो जाएगा बेंजाइलिडीन डाई एसीटेट। अभी इसका क्या होता है कि ये प्रोडक्ट बनने से इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है आगे, मतलब जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं और ऑक्सीडेशन भी नहीं होगा, हाइड्रोलिसिस करना है, हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो ये मिल जाएगा CHO और साथ में CH3COOH, तो ये हो गया बेंजल्डिहाइड। ये रिएक्शन आगे फर्दर प्रोसीड नहीं होगी। तो वही है, जैसे हम जोन्स रिएजेंट में क्रोमियम ऑक्साइड और एसीटोन का यूज करते थे, यहाँ पर एसीटोन की जगह पर क्या लेना है, एसिटिक एनहाइड्राइड का यूज करना, उसी के साथ ही रिएक्शन करा देना है। उसके टू मॉलिक्यूल लेंगे बेंजाइलिडीन डाईएसीटेट एंड फर्दर हाइड्रोलाइज टू फॉर्म बेंजल्डिहाइड। यहाँ पर पैरा ग्रुप भी इस तरह से बन जाते हैं, कभी कभी यदि हमने इसी का नाइट्रो के साथ यदि रिएक्शन कराया तो नाइट्रो ऑर्थो और नाइट्रो भी बेंजल्डिहाइड वो दे सकते हैं। नेक्स्ट है
बाय द यूज़ ऑफ क्रोमिल क्लोराइड इन कार्बन टेट्राक्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड। इसका यदि यूज करते हैं तब भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मतलब जो है सीधे सीधे डिकम्पोज जाएगा बेंजल्डिहाइड में और आगे रिएक्शन नहीं होगी। तो इस रिएक्शन को हम इटार्ड रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ये इटार्ड रिएक्शन है, क्रोमिल क्लोराइड का यूज करते हैं और क्रोमिल क्लोराइड जनरली ये ऑरेंज रेड वेपर होती है उसका यूज करते हैं। CrO2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर कार्बन डाइसल्फाइड इसके प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे टू फॉर्म एक ये ब्राउनियन कॉम्प्लेक्स देता है CHO, यहाँ से CrCl2OH होल ट्वाइस। ये ब्राउन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स है, क्रोमियम का कंपाउंड है। तो ये कंपाउंड को हमें जनरली ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है लेकिन इसको डिकम्पोज फिर भी करना पड़ेगा हाइड्रोलिसिस करके। तो इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे, हाइड्रोलिसिस करने पर ये कन्वर्ट हो जाता है बेंजल्डिहाइड में। मीन्स इसके आगे फिर और भी ऑक्सीडेशन अब नहीं होता है। तो दिस रिएक्शन इज़ नॉन एज इटार्ड रिएक्शन, ये इटार्ड रिएक्शन है। और इसमें एक चीज़ और है कि यदि मान लीजिए कि हम यहाँ पर यदि ज़्यादा कार्बन यदि ले रहे हैं जैसे ये CH2CH3 तो एंड कार्बन ही पहले नंबर ऑक्सीडाइज होगा, मतलब ये कार्बन सबसे पहले होगा जो दूर होगा। तो सबसे फर्स्ट कार्बन यही मतलब ये जो फिनाइल ग्रुप से जुड़ा है ये एक्चुअल में ऑक्सीडाइज अभी कम हो जाएगा। जैसे ये CrO2Cl2 कार्बन टेट्राक्लोराइड टू फॉर्म ये बना लेगा, इंटरमीडिएट यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे ये लिख देता हूँ ये समझाने के लिए है कि एंड कार्बन का ऑक्सीडेशन पहले होगा यदि हमने हायर देन मिथाइल ग्रुप लिया हुआ है। तो एंड कार्बन एटम ऑफ द चेन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय CrO2Cl2 टू CHO ग्रुप में उसी को ऑक्सीडाइज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट हम कर सकते हैं इसको और साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो वही एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन सेम रिएक्शन है, कैसे मतलब इसको एल्डिहाइड पर रोका जा सकता है, CH3 है इसका, सबसे पहले क्लोरीनेशन कर देंगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्योंकि साइड चेन है, एलिफैटिक चेन को हम कर रहे हैं। तो इसके लिए 2Cl2 लेंगे, -2HCl हो जाएगा और दो हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस करा देंगे टू फॉर्म CHCl2। इसका ये जो बेंजल क्लोराइड बना हुआ है, बेंजल क्लोराइड को हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे, बेंजल क्लोराइड हाइड्रोलिसिस कर दीजिए तो ये मिल जाएगा CHO। तो यहाँ पर वैसे मतलब एक स्टेप और भी आ सकता है, CH पहले ये OH का होल ट्वाइस माइनस यहाँ से 2HCl, चूँकि एक कार्बन पर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप काफ़ी मतलब जो है अनस्टेबल कंपाउंड होगा ये कंपाउंड, और अनस्टेबल होने के कारण अपने आप से ये डिकम्पोज हो जाएगा, -H2O यहाँ से रिलीज कर देगा टू फॉर्म CHO, ये बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। इस मेथड के द्वारा और आगे अब फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो दिस इज जनरली यूज्ड एज कमर्शियल मेथड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए इसको हम कमर्शियल मेथड के रूप में भी यूज करते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और है बाय गटरमैन कोच रिएक्शन, इसके द्वारा भी गटरमैन कोच रिएक्शन, गटरमैन कोच रिएक्शन में बेंजीन जो होते हैं उनको ही हम रिएक्शन करा देते हैं। ये तो बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन था और ये हो जाएगा बाय गटरमैन कोच रिएक्शन। गटरमैन कोच रिएक्शन में बेंजीन को ही रिएक्शन कराएंगे सीधे सीधे। तो बेंजीन को कार्बन मोनोऑक्साइड इसके साथ रिएक्शन कराइए इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और क्यूप्रस क्लोराइड। तो इसके लिए हमें एनहाइड्रस AlCl3 लेना या फिर क्यूप्रस क्लोराइड को एज ए कैटालिस्ट लेना पड़ेगा, एनहाइड्रस AlCl3 या फिर क्यूप्रस क्लोराइड, दो में से कोई एक भी यूज करने से हो जाएगा और करके लिख सकते हैं, और HCl। तो ये डायरेक्ट किसी एक जगह पर
ऐड हो जाएगा टू फॉर्म बेंजल्डिहाइड। जहाँ जुड़ेगा वही वहाँ से हाइड्रोजन भी मिल जाएगा। तो दिस रिएक्शन इज नॉन एज गटरमैन कोच रिएक्शन। ये गटरमैन कोच रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। इसके द्वारा भी हम सिर्फ और सिर्फ बेंजल्डिहाइड को बना सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम हाइड्रोसाइनिक एसिड, मतलब हाइड्रोजन साइनाइड, इससे भी बना सकते हैं बाय ट्रीटिंग विद इसको बोलते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट। तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ जैसे ये हाइड्रोजन साइनाइड लिया, और ये भी डिपेंड करेगा कि एल्डिहाइड कितने कार्बन का होगा, यहाँ से आप उसको घटा बढ़ा भी सकते हैं। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो एक कार्बन यहाँ से हो जाएगा, एक कार्बन मतलब हमारा एल्डिहाइड दो कार्बन का हो जाएगा। इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में इसे रिएक्शन कराइए। अब चूंकि यहाँ पर तो होता है पॉजिटिव और ये होता है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर भी कार्बन पर होगा पॉजिटिव और यहाँ पर हो जाएगा नेगेटिव, तो CH3 करेगा यहाँ पर अटैक और मैग्नीशियम इसके साथ जुड़ जाएगा। तो HCCH3 डबल बॉन्ड NMGBr, इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे। तो हाइड्रोलिसिस कराने पर ऑक्सीजन CH3CHO के साथ आ जाएगा, CH3CHO प्लस NH3 प्लस MgOHBr। तो ये एसिटल्डिहाइड हाइड्रोसाइनिक एसिड यहाँ से भी बनाया जा सकता है एल्डिहाइड को। यदि हमें तीन कार्बन का चाहिए प्रोपेन, तो हम यहाँ पर दो कार्बन ले लेंगे, CH3CH2 मैग्नीशियम ब्रोमाइड या मैग्नीशियम क्लोराइड जो भी है, नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर बढ़ा देंगे तो यहाँ पर और भी आगे हम प्रोपेनल इसको बना सकते हैं। तो रीमर टीमर रिएक्शन से भी आप सिर्फ और सिर्फ जिसमें जनरली लेकिन क्या लेते हैं फिनॉल, फिनॉलिक एल्डिहाइड बनाते हैं। तो OH है, इसमें रिएक्शन कराते हैं NaOH की प्रेजेंस में क्लोरोफॉर्म के साथ, जिसमें एक हो जाएगा माइनस H2O और माइनस HCl, टू फॉर्म किसका फॉर्मेशन होगा यहाँ पर सोडियम फिनोक्साइड, और ये आ जाता है CHCl2, और इसको रिएक्शन करा देते हैं हम यहाँ पर NaOH के साथ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH, जिससे ये हो जाएगा माइनस टू NaCl, दोनों क्लोरीन रिमूव हो जाएंगे और यहाँ आ जाएगा, ये तो सेम ही रहेगा CHOH का होल ट्वाइस। चूँकि ये कंपाउंड अनस्टेबल है, एक कार्बन पर ये आएगा नहीं टू फॉर्म, तो ये बना लेगा सोडियम फिनोक्साइड एंड CHO, और इसका HCl डाइल्यूट HCl के साथ यदि रिएक्शन कर देंगे तो एसिडिफिकेशन कर दें माइनस NaCl, और ये हो जाएगा फिर से OH और CHO, तो ये बन गया सैलिसिलाल्डिहाइड। तो ये फिनोलिक एल्डिहाइड है, मतलब यहाँ पर मेन फंक्शनल ग्रुप अब एल्डिहाइड ही हो गया है। तो फिनॉल को यदि रिएक्शन कराते हैं तो इससे भी सिर्फ और सिर्फ आप एल्डिहाइड ही जोड़ पाएंगे बाय द रेमर टीमर रिएक्शन, आल्सो डिस्कस्ड इन प्रीवियस चैप्टर। अच्छा नेक्स्ट है अब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स ओनली। तो अब हम ऐसी रिएक्शंस के बारे में भी पढ़ेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ कीटोन का ही फॉर्मेशन होता है, इसमें हम एल्डिहाइड या दूसरे कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। तो इसके लिए सबसे फर्स्ट रिएक्शन है फ्रॉम एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड से हमने एल्डिहाइड भी बनाया हुआ है रोजनमुंड रिएक्शन के द्वारा, तो रोजनमुंड से हम एल्डिहाइड बना सकते हैं। इसी तरह से एसिड क्लोराइड से भी हम कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले डाई एल्काइल कैडमियम इसको बनाना पड़ता है, और इसको बनाने के लिए 2RMgX लेते हैं, मतलब ग्रिगनार्ड रिएजेंट का यूज किया जाता है। इसको रिएक्शन कराएंगे कैडमियम क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म। तो कैडमियम क्या करेगा, किसके साथ रिएक्शन करेगा यहाँ पर एल्काइल ग्रुप के साथ, और मैग्नीशियम और ये हैलोजन है ये किसके साथ रिएक्शन कर लेंगे क्लोरीन के साथ, तो ये बनेगा R2CD डाई एल्काइल कैडमियम। जो भी ग्रुप होगा डाई एल्काइल में, मतलब मिथाइल भी हो सकता है इथाइल भी हो सकता है, डाई एल्काइल कैडमियम प्लस MgXCl इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो
तो ये डाई एल्काइल कैडमियम को ही हमें किसके साथ रिएक्शन कराना है, एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो जैसे ये 2R-COCl ये हमने लिया यहाँ पर एल्केनॉइल क्लोराइड, एल्केनॉइल क्लोराइड को रिएक्शन कराएंगे R2CD2 फॉर्म। तो देखिए यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एक तो R डैश ही रहेगा CO, और इस जगह पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एक R आ जाएगा, और कैडमियम के साथ कौन रिएक्शन कर जाएगा, क्लोरीन। तो कैडमियम तो ये क्लोरीन को लेकर के अलग हो जाएगा, दो क्लोरीन चाहिए है, यहाँ पर भी दो एल्काइल ग्रुप है, तो R-COR ये हमें इस तरह से प्रोडक्ट मिल जाएंगे कीटोन। फॉर एग्जांपल यदि हम डाई एल्काइल कैडमियम सीधे ले लें, जैसे ये है CH3COCl रिएक्ट विद CH3 होल ट्वाइस डाईमिथाइल कैडमियम, हमने इसका यूज किया है डाईमिथाइल कैडमियम, ये भी रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे CH3COCl CH3 होल ट्वाइस, एक CH3 इधर लगा देंगे, कैडमियम के साथ दो क्लोरीन को रिमूव कर देंगे, CH3CO ये टू मॉलिक्यूल्स होंगे यहाँ पर CH3 प्लस कैडमियम क्लोराइड, तो ये मिल गया हमें टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन। एसीटोन यहाँ से बना सकते हैं, दो दो कार्बन के लेंगे कंपाउंड, तो हम फिर पेंटेनॉन मतलब दो इधर पर है और दो मान लीजिए इथाइल वाला लेंगे तो ब्यूटेनॉन मिल जाएगा, और यदि एक तरफ तीन ले लेते हैं तो पेंटेनॉन मिल जाएगा, डिफरेंट तरह के मिलेंगे, और इनसे इस तरह से भी कंपाउंड बना सकते हैं। यदि हमने बेंजाइल क्लोराइड लिया COCl, इसके टू मॉलिक्यूल लीजिए CH3 होल ट्वाइस कैडमियम, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में यहाँ पर भी रिएक्शन होगी टू फॉर्म COCH3, एसिटोफिनॉन मिलेगा प्लस कैडमियम क्लोराइड एसिटोफिनॉन। तो यहाँ पर एरोमेटिक कीटोन या फिर एलिफैटिक कीटोन हम दोनों का ही फॉर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन इसका भी ध्यान रखिए जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट है कैन नॉट बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ डाई एल्काइल कैडमियम, डाई एल्काइल कैडमियम की जगह पर आप डायरेक्ट इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यदि मान लीजिए आपने यहाँ पर क्या किया, ग्रिगनार्ड रिएजेंट का यूज किया, तो इससे हम किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, कीटोन, द कीटोन्स फर्दर रिएक्ट विद द ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ फर्दर रिएक्ट होकर के किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, ये देंगे एक एडिशन प्रोडक्ट, और एडिशन प्रोडक्ट यदि मान लीजिए वहाँ पर मॉइस्चर है, वाटर है, एसिडिक कंडीशन है, एसिडिक मीडियम है, तो उसके साथ ये टर्शरी अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो यदि हमें कीटोन पर सीधे सीधे रिएक्शन को यदि मान लीजिए स्टॉप करना है कि किसी भी प्रकार के टर्शरी अल्कोहल का फॉर्मेशन ना हो, देन फिर हमें कैडमियम क्लोराइड का ही यूज करना है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट का यूज यहाँ पर नहीं करेंगे। नेक्स्ट है फ्रॉम नाइट्राइल्स बाय ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ग्रिगनार्ड रिएजेंट का यूज करके यदि हम नाइट्राइल के साथ इसे रिएक्शन कराएंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ कीटोन मिलते हैं, तो CH3CH2MgBr ये है ग्रिगनार्ड रिएजेंट, इसको इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को किसी क्या नाइट्राइल के साथ रिएक्शन कराना है, तो CH3CN ये लेंगे। अभी देखिए मैग्नीशियम ब्रोमाइड इस पर होता है पॉजिटिव चार्ज और एल्काइल ग्रुप पर होता है नेगेटिव चार्ज, यहाँ इस कार्बन पर पॉजिटिव होगा, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये पॉजिटिव किस पर अटैक करेगा, नाइट्रोजन पर, जबकि ये नेगेटिव वाला किस पर रिएक्शन करेगा, इस पॉजिटिव कार्बन पर, और ये रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पर CH3CH2CH3, ये तो हमने एल्काइल ग्रुप जोड़ दिया, और यहाँ पर हो जाएगा NMgBr, ये हमें यहाँ पर एक इंटरमीडिएट मतलब एडिशन प्रोडक्ट मिला, और ये चूंकि ड्राई ईथर है क्योंकि ग्रिगनार्ड रिएजेंट को मॉइस्चर की प्रेजेंस में हम रिएक्शन नहीं करा सकते हैं, मॉइस्चर की प्रेजेंस में ये वाटर के साथ ही रिएक्शन कर लेगा और दूसरे प्रोडक्ट दे देगा, हाइड्रोलाइज हो जाएगा, तो ड्राई ईथर की कंडीशन में रिएक्शन कराएंगे, ये एडिशन प्रोडक्ट बनने के बाद इसका
अब हाइड्रोलिसिस कर देंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिड के प्रेजेंस में करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको यहाँ पर CH3 CH2 CO CH3 प्लस NH3 MgOH Br, ये है ब्यूटेन 2-ON या फिर ब्यूटेन ऑन भी लिख सकते हैं या फिर ब्यूटेन 2-ON भी लिखा जा सकता है। तो इस तरह से ये कीटोन का फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन इसका ध्यान रहे, इसके पहले भी हमने रिएक्शन ये पढ़ी हुई है, वहाँ हाइड्रोजन साइनाइड लिया था। यदि आप यहाँ पर हाइड्रोजन साइनाइड लेंगे तब फिर एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, और यदि यहाँ पर आपने एल्केन नाइट्राइल लिया हुआ है या नाइट्राइल लिए हुए हैं तब फिर कीटोन का फॉर्मेशन होगा। तो ये ध्यान रखना है कि HCN के साथ रिएक्शन ना हो जाए, HCN के साथ हमेशा एल्डिहाइड ही देता है। नेक्स्ट, इसके द्वारा हम एरोमेटिक कीटोन भी इसी तरह से बना सकते हैं, सेम तरीके से। इसके लिए हमें, लेकिन जैसे फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लें, ये हमने ग्रिगनार्ड, या फिर इसकी जगह पर इसको भी ले सकते हैं, कोई भी लिया जा सकता है। एक जैसे सी ये लिया बेंजो नाइट्राइल, इसको रिएक्शन करा दिया CH3 MgBr इसके साथ में इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म। ये देखिए यहाँ पर है पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला ये कार्बन पर और पॉजिटिव वाला नाइट्रोजन के साथ। तो ये हो जाएगा CH3 और MgBr के साथ हो जाएगा, कौन सा N के साथ हो जाएगा MgBr, और इसका फिर हाइड्रोलिसिस करा दीजिए। हाइड्रोलिसिस कराने पर हो जाएगा COCH3 प्लस NH3 प्लस MgOHBr। तो ये मिल गया एसिटोफिनोन। बेंजोफिनोन भी इसी तरह से बन सकता है, यहाँ पर फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यहाँ पर बेंजो नाइट्राइल, तब मिल जाएगा बेंजोफिनोन। अभी हमको मिला हुआ है एसिटोफिनोन, बेंजीन के ऊपर COCH3 ग्रुप लगा दिया गया है। नेक्स्ट रिएक्शन होगा तो फ्रॉम बेंजीन, या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन भी ले सकते हैं। तो इसके लिए जैसे एक तो हो सकता है बाई, यदि हमें कीटोन बनाना है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, तो एसाइलेशन का यूज करेंगे और इसमें बेंजीन को हम रिएक्शन कराएंगे CH3COCl एल्केनॉइल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 टू फॉर्म एसिटोफिनोन COCH3 प्लस HCl एसिटोफिनोन। तो ये भी कीटोन बना सकते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। अब यदि मान लीजिए हम यहाँ पर बेंजोइल क्लोराइड लेंगे तो बेंजोइलेशन रिएक्शन कहलाएगी, तो बाय बेंजोइलेशन, बेंजोइलेशन रिएक्शन में आप बेंजीन को किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, C6H5COCl बेंजोइल क्लोराइड, इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको भी, ऐसे COCl इस तरह से भी लिखा जा सकता है या ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई भी एक तरीके से यूज किया जा सकता है। ये रिएक्शन को भी हम क्या करेंगे, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस के साथ रिएक्शन कराएंगे, और जहाँ पर ये अटैक करेगा वहाँ से हाइड्रोजन और क्लोरीन HCl के रूप में निकलेंगे, और COC6H5 बेंजीन के ऊपर ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा इसका प्लस HCl। तो ये हो गया है बेंजोफिनोन। इसको बेंजोफिनोन बनाने के लिए जैसे एक दूसरा और भी रिएक्शन है, इसको हम फॉस्जीन के साथ भी रिएक्शन यदि करा दें, जैसे ये है फॉस्जीन, फॉस्जीन मतलब COCl2 क्लोरीन CO, ये फॉस्जीन है। फॉस्जीन एक हाईली टॉक्सिक गैस होती है, इसको बेंजीन के साथ रिएक्शन करा देंगे, रिएक्टिव भी होती है टू फॉर्म
बेंजोफेनॉन, तब भी यहाँ पर बेंजोफेनॉन बन जाएगा क्योंकि जहाँ से ये जुड़ेगा वहाँ से एक एक हाइड्रोजन ये रिमूव हो जाएगा टू फॉर्म HCl टू HCl। तो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजीन वेर रिएक्ट विद फॉस्जीन गैस इट फॉर्म बेंजोफेनॉन एंड बाय प्रोडक्ट के रूप में टू HCl मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे। तो ये बेंजीन से भी इस तरह से हम कीटोन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, एरोमेटिक कीटोन जनरली यहाँ पर बनेंगे ये सभी। तो फ्रॉम फिनाइल इस्टर्स बाय फ्रिश रीअरेंजमेंट रिएक्शन, इसके द्वारा भी हम कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें फिनाइल इस्टर्स लेना पड़ेगा, जैसे OCOCH3। तो जैसे जब हम क्या करते हैं कि फिनॉल को रिएक्शन कराते हैं तब हमें ये मिलता है प्रोडक्ट COCH3, हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस हो जाता है। अभी इस रिएक्शन को यदि हम AlCl3 और कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में यदि हीट करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, एक रीअरेंजमेंट होता है जिसे हम फ्रिश रीअरेंजमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो ये हो जाएगा OHCOCH3, ऑर्थो प्रोडक्ट है ये, और साथ में मेजर प्रोडक्ट के रूप में हमें पैरा प्रोडक्ट भी मिलेगा COCH3। तो ये हो गया पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन, और इसके पहले था ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन, हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन, और ये पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन है जो कि एक मेजर प्रोडक्ट है, ऑर्थो वाला माइनर। इसी तरह से यहाँ पर हम जैसे यदि OCOC6H5 इसको यदि लेते हैं तो AlCl3 और कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में हीट करने पर हमें बेंजोफेनॉन भी मिलेंगे COC6H5, ऑर्थो पर भी और पैरा पोजिशन पर भी मिलेगा COC6H5। तब यहाँ पर लिखेंगे जैसे 4-hydroxybenzophenone, और ये प्रोडक्ट ऑर्थो वाला हो जाएगा माइनर। इसको लिख सकते हैं 2-hydroxybenzophenone, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फ्रिश रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो जनरली यदि हम लो टेम्परेचर पर जब इस रिएक्शन को कराते हैं तो वह मेनली हमें क्या मिलेगा, पैरा आइसोमर मिलेगा, लेकिन यदि हाई टेम्परेचर पर आपने इसी रिएक्शन को कराया तब फिर मेजर प्रोडक्ट बदल जाता है, तब फिर ऑर्थो प्रोडक्ट हमें ऑप्टेंड एज ए मेजर प्रोडक्ट बट एट ओनली हाई टेम्परेचर, सिर्फ और सिर्फ हाई टेम्परेचर पर ही इस तरह से रिएक्शन होगा, लो टेम्परेचर पर जबकि हमें दूसरे प्रोडक्ट मिलेंगे। तो ये सभी थी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स ओनली। तो हमने इसमें प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली देखा, कीटोन्स भी देखा। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी फिजिकल स्टेट से रिलेटेड, जिसमें मैथेनल मतलब जो फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड है, मैथेनल या फॉर्मेल्डिहाइड इज ए पंजेंट स्मेलिंग गैस, ये एक तरह से पंजेंट स्मेलिंग गैस होता है, जबकि जो अदर एल्डिहाइड्स हैं और कीटोन्स होते हैं अप टू लगभग 11 कार्बन एटम्स आर कलरलेस लिक्विड, वे सभी कलरलेस लिक्विड हैं एंड स्टिल हायर मेंबर्स आर सॉलिड, जबकि दूसरे अदर मेंबर जो हैं 11 कार्बन के बाद वाले वो सभी सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है ऑर्डर से रिलेटेड, स्मेल से, विद द एक्सेप्शन ऑफ लोअर एल्डिहाइड विच हैव अनप्लीजेंट ऑर्डर। लोअर एल्डिहाइड मतलब जैसे मैथेनल एथेनल, इनमें तो अनप्लीजेंट ऑर्डर होता है, लेकिन जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं जनरली दे हैव प्लीजेंट स्मेल, मोस्टली तो प्लीजेंट स्मेल वाले होते हैं। और ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि एज द साइज ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, जैसे जैसे मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जाते हैं उसकी साइज इंक्रीज होती जाती है, द ऑर्डर बिकम्स लेस पंजेंट एंड मोर फ्रेग्रेंट। पंजेंट उसका कम होता जाएगा जबकि फ्रेग्रेंट ज़्यादा होता जाता है, उसमें फ्रेग्रेंस अच्छी अच्छी उसमें और खुशबू हमें मिलती जाएगी। थर्ड है सॉल्युबिलिटी, तो लोअर मेंबर्स जैसे जनरली मैथेनल एथेनल प्रोपेनल अप टू लगभग 4 कार्बन एटम्स के एल्डिहाइड और कीटोन्स बोथ आर मिसबल विद वाटर बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन विद द वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि बोथ आर एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, देयरफॉर दे आर इजली सॉल्युबल इन वाटर और मिसबल विद वाटर, एंड
द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन साइज, लेकिन वाटर में जैसे जैसे हम एल्डिहाइड और कीटोन की साइज बढ़ाते जाएंगे वाटर में इनकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है। हाउएवर दे आर रीडली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे ईथर, क्लोरोफॉर्म, एल्कोहल, बेंजीन, ईटीसी, दे आर द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इन दीज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर रीडली सॉल्युबल, बिकॉज जनरली ये हम जैसे हायर मेंबर्स हैं तो नॉन पोलर ही होते हैं, मीन्स एल्डिहाइड यदि लोअर मेंबर्स देखेंगे तो दे आर वेरी मतलब दे हैव वेरी लिटिल पोलैरिटी, काफ़ी इनमें पोलैरिटी कम पाई जाती है, मतलब ये तो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन इनमें ज़्यादा नहीं होता है। तो ये वीकली पोलर कंपाउंड्स मतलब वीकली पोलर नेचर के पाए जाते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट यदि आप ऑब्जर्व करें ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, जनरली इट इज़ ग्रेटर देन हाइड्रोकार्बन एंड ईथर्स, क्योंकि हाइड्रोकार्बन पूरी तरह से नॉन पोलर है, ईथर बहुत ज़्यादा ही लेस पोलर नेचर का होता है, उससे ज़्यादा इनमें पोलैरिटी होती है, जिससे डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन एल्डिहाइड और कीटोन्स में ज़्यादा होता है। और जितना डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन मतलब फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बढ़ता जाएगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा इंक्रीज़ होता जाता है। तो हाइड्रोकार्बन और ईथर से तो ज़्यादा पोलर है इसीलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, लेकिन बट लेसर देन एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता ज़्यादा होती है, इस कारण से बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, इनमें बहुत कम पाई जाती है, यही कारण है कि इनका बॉइलिंग पॉइंट इनसे कम है। तो इनसे कम पोलर नेचर के होते हैं बट हाइड्रोकार्बन और ईथर से ज़्यादा पोलर नेचर के हैं। तो यदि आप इनको कंपेयर करें, जैसे हमने लिया चार कार्बन कंपाउंड है और इसका हाइड्रोकार्बन का 273 केल्विन, ईथर का 281, एल्डिहाइड 322, कीटोन 329 और एल्कोहल 370। तो ये जैसे जैसे और मास बढ़ता जाएगा एल्डिहाइड और कीटोन्स में भी उनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होता जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यदि हम आइसोमेरिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स मतलब सेम मॉलिकुलर फार्मूला वाले कंपाउंड्स को यदि कंपेयर करते हैं तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बोथ आर आइसोमर्स ऑफ फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, सेम मॉलिकुलर मास है, सेम फार्मूला है, लेकिन एक एल्डिहाइड है जैसे यहाँ पर भी आपने देखा 322 केल्विन है, वो सेम कार्बन कीटोन में यदि है तो वो 329। कीटोन्स का जनरली बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा क्या होता है हाइयर होता है देन आइसोमेरिक एल्डिहाइड, और इसका कारण है पोलैरिटी, कौन ज़्यादा पोलर नेचर का होता है एल्डिहाइड या कीटोन, तो इसमें होता है कीटोन निश्चित है, क्योंकि जितना ज़्यादा पोलैरिटी होगी आयन आयन डाइपोल जो इंट्रैक्शन है उतना ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट वैसे भी बढ़ेगा। तो क्यों मतलब ये कीटोन्स ज़्यादा पोलर नेचर के हो जाते हैं, इसका कारण है इंडक्टिव फैक्ट। यहाँ पर दो एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, दोनों क्या करते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव फैक्ट शो करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा देंगे, इसलिए ऑक्सीजन पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या जाता है नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन विड्रॉ कर लेता है इलेक्ट्रॉन को और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें इंट्रैक्शन ज़्यादा होता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर सिर्फ एक ही ग्रुप लगा हुआ है तो यहाँ पर आएगा तो चार्ज, लेकिन ये वैल्यू इसकी क्या रहेगी हमें कम देखने को मिलेगी। यहाँ पोलैरिटी कम है एल्डिहाइड में, कीटोन्स ज़्यादा पोलर है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टू एल्काइल ग्रुप, बोथ आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एंड इंक्रीज द पोलैरिटी ऑन कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड, कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड पर पोलैरिटी बढ़ा देते हैं जिससे नेबरिंग मॉलिक्यूल्स को ये और ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर सकते हैं, यही कारण है कि एल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट कीटोन्स के कंपेरिजन में थोड़ा कम पाया जाता है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स थी, और आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।